हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस और ये है चैप्टर नंबर 6 इंडेक्स नंबर का आखिरी वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अबाउट लिमिटेशंस ऑफ इंडेक्स नंबर। 8 मार्क का ये चैप्टर है, कुछ बेसिक थियरी क्वेश्चन और 4 फॉर्मूलाज के दम पे आप ये पूरे 8 मार्क्स वसूल कर सकते हैं। जी हाँ, तो ये वीडियो की जो प्लेलिस्ट है हमारी इंडेक्स नंबर चैप्टर की, वो प्लेलिस्ट को आप एक साथ भी देख लेंगे तो काम फिट, मामला हिट और चैप्टर के 8 मार्क्स सुपर हिट हो जाएंगे। जरूर फायदा उठाइएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ऊपर आई बटन में लिख दे दूंगा, आप जरूर वहां से अपनी पढ़ाई को बूस्ट करिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां पर लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहते हैं। साथ ही साथ यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप, नाम है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल। यहां पर हम नोट्स वगैरह डालते रहते हैं, पीडीएफ नोट्स देते रहते हैं। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अवर सुपर स्टार बैच। जी हाँ, आप ही हैं सुपरस्टार और आप ही को करना है एग्जाम में चमत्कार, और इसीलिए हमारा इस साल का एब्सोल्युटली फ्री बैच है सुपरस्टार बैच। और ये सुपरस्टार बैच जो है वो आपके लिए ढेर सारे वीडियो नोटिफिकेशंस और नोट्स आपको देते रहता है हमारे ऐप स्काई एजुकेशन पर, तो जरूर प्ले स्टोर से उसे डाउनलोड कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, और आज के वीडियो में लिमिटेशंस यानी इंडेक्स नंबर में क्या कमियां हैं और क्या इसके लिमिटेशंस हैं उन्हें जान लेते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ वीडियोस के अंदर पीछे चल रहा था हमारे पीछे, हाँ, इंडेक्स नंबर्स आर वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड स्टैटिस्टिकल टूल्स। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिकल डिवाइसेस हैं जिनसे हम मेजर कर सकते हैं चेंजेस कि यार इकोनॉमिक वेरिएबल्स के अंदर प्राइस में, क्वांटिटी में, वॉल्यूम में पिछले साल के मुकाबले इस साल कितना बदलाव आया, उस साल के मुकाबले इस साल कितना बदलाव आया। व्हेनेवर यू वांट टू मेजर चेंजेस, इंडेक्स नंबर्स आर वेरी यूजफुल, वेरी हैंडी। इनके जरिए ही आप पता लगा सकते हैं कि डिफरेंस आया कितना है और आने वाले कई एक्टिविटीज में या फ्यूचर हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कितना और अंतर आ सकता है। यही सारी चीजें दोस्तों, आज के वीडियो का हमारा मुख्य लक्ष्य जो है वो है अबाउट अंडरस्टैंडिंग द लिमिटेशंस ऑफ इंडेक्स नंबर। जब बात लिमिटेशंस की आती है तो याद रखिए कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ चीजें अच्छी तो कुछ चीजें बुरी भी हमारे सामने आती हैं, और इसीलिए लिमिटेशंस की जब बात करते हैं तो याद रखिए इंडेक्स नंबर्स आर यूजफुल इन प्रैक्टिस, बहुत जबरदस्त तो हैं, हाउएवर दे सफर फ्रॉम सर्टेन लिमिटेशंस। तो चलिए आज हम उन लिमिटेशंस पर नजर डालते हैं। इन लिमिटेशंस की वजह से ही थोड़ी सी रिलायबिलिटी जो है इंडेक्स नंबर्स पे कम की जाती है। यस, देयरफॉर दे आर नॉट कंप्लीटली रिलायबल, याद रखिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और पॉइंटर्स पे नजर डालते हैं। कुल मिलाकर के हमारे पास 8 पॉइंट्स हैं। यस, वी हैव इन ऑल 8 पॉइंट्स, और इन 8 पॉइंट्स को आसानी से याद रखने के लिए, समझने के लिए हमारा शॉर्ट कोड है बैड एमसीक्यू लिमिटेड। जी हाँ, लिमिटेशंस ऑफ इंडेक्स नंबर बैड एमसीक्यू लिमिटेड। बी से आता है बेस्ड ऑन सैंपल्स, ये कमी है दोस्तों। इंडेक्स नंबर में हम पूरा डेटा नहीं लेते, कुछ सैंपल्स के आधार पर कैलकुलेशंस करते हैं, इसीलिए वो सैंपल्स अगर थोड़े से भी गड़बड़ा गए तो इंडेक्स नंबर का कैलकुलेशन गड़बड़ा सकता है। इसके अलावा बायस इन डेटा, कोई झोल झपाटा करके आपको पार्शियलिटी करने में मजबूर कर दे, आपको वही डेटा दे जो देना था और बाकी डेटा छुपा दिया जाए, तो ऐसे में भी डेटा में गड़बड़ी हो सकती है, इसीलिए बायस इन डेटा इज ऑल्सो लिमिटेशन। इसके अलावा आर्बिट्री वेट्स, यानी कई बार क्या होता है कि हम एक्चुअल वेट्स को इग्नोर करते हुए गलत तरीके के कॉमन वेट्स ले लेते हैं, जो हमने ला पा के अंदर देखा लास्ट ईयर और पाशेज इंडेक्स नंबर के अंदर की क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर और क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर को वेट लिया गया, तो जरूरी नहीं कि वही परफेक्टली हमें कैलकुलेशन करके दें, तो ऐसे वेट्स के आधार में भी लिमिटेशंस हो सकते हैं। इसके अलावा डिफेक्ट्स इन फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला परफेक्ट नहीं है, मिसयूज ऑफ इंडेक्स नंबर भी हो सकता है गलत डेटा प्रेजेंट करने के लिए, साथ ही साथ चेंजेस इन द इकोनॉमी, क्वालिटेटिव चेंजेस, एंड आखिर में लिमिटेड बोले तो लिमिटेड स्कोप, तो बैड एमसीक्यू लिमिटेड, बैड एमसीक्यू लिमिटेड। चलिए अब हर पॉइंट को बारीकी से समझ लेते हैं, एक एक करके समझते हैं दोस्तों। सिंपल से पॉइंट है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहां पर तो आता है बेस्ड ऑन सैंपल्स, मतलब कंप्लीट डेटा तो नहीं है। इंडेक्स नंबर्स आर जनरली बेस्ड ऑन सैंपल्स, वी कैन नॉट इंक्लूड ऑल द आइटम्स, और इसीलिए तो लफड़ा होता है, सब आइटम्स ऐड होती है तो सबका कच्चा चिट्ठा, सबके ओपिनियन, सबकी प्राइस, सबकी क्वांटिटी पता चल पाती है, लेकिन वो फिर लंबा प्रोसेस हो जाता है, इसके लिए इंडेक्स नंबर सिर्फ सैंपल लेता है। यस, इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द इंडेक्स नंबर्स, हेंस
दे आर नॉट फ्री फ्रॉम सैंपलिंग एरर. सैंपलिंग एरर से ये फ्री नहीं है, हो सकता है सैंपल्स में एरर साबित हो. चलिए दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं. बैड के अंदर बी से आता है बायस इन द डेटा. इंडेक्स नंबर आर कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा विच मे बी इनकम्प्लीट. विच मे बी इनकम्प्लीट डेटा का क्या भरोसा, इनकम्प्लीट भी हो सकता है, और इसीलिए बायस के आधार पर इंडेक्स नंबर का कैलकुलेशन गड़बड़ा सकता है. देयर मे बी बायस इन द डेटा कलेक्टेड. This is bound to affect the results of the index number. मतलब आपका डेटा अगर incomplete है तो इससे जो रिजल्ट आएगा वो भी incomplete आएगा, inconsistent आएगा, गलत आएगा, तो ये भी एक नुकसानदेह बात हो सकती है. दो बी हमने यहां पर पढ़े बैड एमसीक्यू के अंदर. आगे बढ़े तो अगला पॉइंट आता है ए से, आर्बिट्ररी वेट्स. जी हाँ, द वेट्स असाइन टू डिफरेंट कमोडिटी मे बी आर्बिट्ररी, यानी इनकम्प्लीट हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं, हो सकता है जो वेट्स असाइन किए हैं वो इम्प्रॉपर है. तो इम्प्रॉपर इज द वर्ड, याद रखिएगा. इसके अलावा डी से बैड के अंदर डी से आता है डिफेक्ट्स इन फॉर्मूले. देयर इज नो परफेक्ट फॉर्मूला, कोणता ही परफेक्ट फॉर्मूला नहीं है. हमने प्राइस इंडेक्स का देखा, क्वांटिटी वॉल्यू वैल्यू इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला देखा, समीशन पी वन अपॉन समीशन पी जीरो इंटू हंड्रेड प्राइस के लिए देखा, ऐसे अलग अलग फॉर्मूलाज देखे, लेकिन दे आर नॉट परफेक्ट फॉर्मूलाज, इसीलिए कंस्ट्रक्शन में दिक्कत आ सकती है. इट इज ओनली एन एवरेज, ओनली एन एवरेज, एंड सो इट हैज ऑल द लिमिटेशंस ऑफ एन एवरेज. तो जो जो कमियां एवरेजेस में होती हैं वो इसमें भी होंगी. एवरेज तो एकदम कंप्लीट राउंड ऑफ फिगर आपको नहीं देगा, कहीं ना कहीं उस एवरेज के अंदर थोड़ी बहुत कमियां हो सकती हैं, क्योंकि हम सिर्फ जनरलाइज्ड एक अंदाजा ही लगा सकते हैं, एक्चुअल्स हमें पता नहीं होते हैं. तो ये भी एक बड़ी बात है. बैड के अंदर बैड के बाद एमसीक्यू की बात करें तो एम से आता है मिसयूज ऑफ इंडेक्स नंबर. क्या आता है, मिसयूज ऑफ इंडेक्स नंबर्स. जी हाँ, मिसयूज ऑफ इंडेक्स नंबर्स की बात करें दोस्तों तो याद रखिए इंडेक्स नंबर्स कैन बी मिसयूज्ड. दे कंपेयर अ सिचुएशन इन द करंट ईयर with a situation in the base year. Comparison किससे करते हैं, base year से करते हैं. Hence, a person may choose a base year which will be suitable for his purpose. यानी अगर आपको comparison ही करवाना है तो आप अपने convenience के हिसाब से कोई साल चुन लेंगे कि हाँ इस साल में बिजनेस अच्छा हुआ था, इस साल से कंपैरिजन बता देता हूं तो बिजनेस का मेरा बैलेंस शीट तो अच्छा ही दिखेगा. तो ऐसे कंपैरिजन जो हैं बेस ईयर चुनने में भी मिसयूज कर सकते हैं लोग, मैनिपुलेट करने के लिए, गड़बड़ी डेटा में क्रिएट करने के लिए. सो ये भी एक बड़ा लिमिटेशन सामने आता है. फॉर एग्जाम्पल, अ बिजनेसमैन मे चूज अ ईयर इन विच हिज प्रॉफिट इज हाई as the base year and show that his profit is falling in the current year. So, ऐसा बता सकता है कि पहले तो मेरा प्रॉफिट अच्छा ही था, अभी थोड़ा बहुत कोविड वगैरह की वजह से कम हो रहा है, और गलत कच्चे चिट्ठे शेयर होल्डर्स को बता सकता है. तो इसका मिसयूज भी होता है कई बार, इसे रोकना जरूरी है. तो मिसयूज ऑफ इंडेक्स नंबर बेस ईयर चुनने में. आखिरी कुछ पॉइंट्स की बात करें तो यहां पर चेंजेस इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी बदलती रहती है, डायनामिक होती है, लोगों के हैबिट्स, उनके टेस्ट, उनके एक्सपेक्टेशंस ये बदलते हैं, हमेशा चेंज होते हैं, फैशन के साथ हमेशा बदलाव होते रहते हैं. ऑल दीज चेंजेस कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ इंडेक्स. तुम्हारा बड़ी सिंपल सी है दोस्तों, एकदम सिंपल सी बात है कि यार हर बदलाव तो इंडेक्स नंबर में नहीं सेट किया जा सकता, और इसीलिए लिमिटेशन तो आता ही है. आखिरी कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं. क्वालिटेटिव चेंजेस बहुत जरूरी है, सिर्फ क्वांटिटी वाला चेंज नहीं, क्वालिटी वाला भी चेंज दिखाना चाहिए. यह एक लिमिटेशन है कि हमें क्वांटिटी इंडेक्स तो पता चल जाता है, लेकिन क्वालिटी का क्या, क्वालिटी तो हमें इंडेक्स नंबर से पता ही नहीं चल पाती. एंड दैट इज व्हाई माय डियर स्टूडेंट्स द प्राइस और क्वांटिटी इंडेक्स नंबर्स मे इग्नोर द चेंजेस इन क्वालिटीज. Qualities of the products at any given time, a better quality commodity will have a higher production cost. Simple बात है ना, जिसकी क्वालिटी अच्छी है उसका प्रोडक्शन का खर्चा भी थोड़ा ज्यादा ही होगा एज कंपेयर टू द पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स, तो समवेयर ऑफ द अदर भाव भी बढ़ेगा. लेकिन ये क्वालिटी को इग्नोर कर दिया जाता है. कमोडिटी विल हैव अ हायर प्रोडक्शन कॉस्ट एंड अ हायर प्राइस एज वेल देन एन ऑर्डिनरी कमोडिटी विच इज अ सब्स्टिट्यूट फॉर द बेटर प्रोडक्ट. तो सिंपल सी बात है कि यार क्वालिटेटिव चेंजेस जो हैं वो इंडेक्स नंबर हाईलाइट नहीं कर पाता. आखिरी पॉइंट देख लेते हैं बैड के अंदर. बैड एमसीक्यू लिमिटेड के अंदर आखिरी पॉइंट है लिमिटेड, यानी लिमिटेड स्कोप है बॉस. कुछ चीजें होती हैं जिनके वाइड स्कोप होते हैं,
इंडेक्स नंबर एक ऐसा स्टेटिस्टिकल डिवाइस है जिसका स्कोप लिमिटेड है। इसमें आप वेरिएबल के चेंजेस तो आप मेजर कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा क्या करोगे। तो एन इंडेक्स नंबर हैज लिमिटेड स्कोप बिकॉज इफ इट इज कंस्ट्रक्टेड फॉर वन पर्पस देन इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एनी अदर पर्पस। आपने प्राइस इंडेक्स का किया तो प्राइजेस के ही चेंजेस जो है वो मेजर कर पाएगा, दूसरे कोई नहीं कर पाएगा। तो आप एक पर्पस के लिए अगर इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते हैं तो इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर अनदर पर्पस, और वो सिर्फ उसी पर्पस तक लिमिटेड रह जाता है। इसीलिए ये सारी कमियां हमने आज देखी इंडेक्स नंबर की। उम्मीद करता हूं दोस्तों सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। हमने जो भी पढ़े हैं अभी लिमिटेशंस ऑफ इंडेक्स नंबर में आप देख सकते हैं, कुल मिलाकर के 8 पॉइंट्स बैड एमसीक्यू लिमिटेड। बैड के अंदर दो भी हैं, आपको दिखाई दे रहा है बेस्ड ऑन सैंपल्स बायस इन द डेटा आर्बिट्ररी वेट्स डी से डिफेक्ट्स इन फॉर्मूला। एमसीक्यू बोले तो मिसयूज ऑफ इंडेक्स नंबर चेंजेस इन द इकोनॉमी क्वालिटेटिव चेंजेस और आखिर में लिमिटेड स्कोप। बड़ी सिंपल सी बात है, उम्मीद करता हूं आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। जरूर आंसर्स की लिख के प्रैक्टिस कीजिए। यहां पर हमारी इंडेक्स नंबर की सीरीज समाप्त होती है, अगले लेक्चर से हम नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। मिलते हैं फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।